बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसिफ नाज़रीन। कल जो वाक़या पेश आया इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सा वाक़या था, जो कि हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन का जो इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश आया, इसमें कई लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार भी गए और काफ़ी लोग जो है इसमें ज़ख्मी भी हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या था। इसमें जो तहकीकात चल रही है और बाकी जो रेलवे के जो आला हुकाम है उनका कहना यह है कि ये जो वाक़या पेश आया था, मतलब इसका जो खदशा जाहिर किया जाए वो तकरीबकारी का उन्होंने जो है इसका रंग दिया है कि ये हो सकता है कि ये इस तरह के मामलात कोई, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी पहले भी मरम्मत की गई थी ट्रैक्स की और जो है काफ़ी अच्छा सिस्टम चलता हुआ आ रहा था, एकदम से इतना बड़ा हादसा पेश आ जाना। फिर से पहले भी एक और जो है हादसा पेश आया था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। एकदम से 10 बोगियाँ जो है ट्रैक से आउट हो जाना और मतलब ट्रैक पूरा टूटा हुआ था, उसको क्यों नहीं देखा गया? 100 की स्पीड से कोई कहता है कि हमेशा ये जो हज़ारा एक्सप्रेस थी वो आती थी, और एकदम से वो 50 की स्पीड और उसके अंदर अंदर जो है वो आना शुरू हो गई, जब इसकी स्पीड नॉर्मल थी, फिर भी इतना बड़ा वाकया पेश आया। जबकि चेक इन बैलेंस करना जाहिर सी बात है जो रेलवे इंतजामिया उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इतना इतनी बड़ी गफलत कैसे हो सकती है? मतलब इंसानी जानों को उनकी ज़िंदगी को दाव पर लगा के आप जो है लोगों को जो है टिकट फरोख कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी की कोई परवाह ही नहीं है। मतलब ये कितना अफसोसनाक वाकया है। ऐसा कि वाकया पहले भी जो है पेश आए हैं, लेकिन क्यों नहीं इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है? क्यों नहीं इनके खिलाफ़ कोई इंक्वायरी की जाती है? क्यों नहीं रेलवे ट्रैक जो है उनका जो है मरम्मत की जा रही है? जो रेलवे के जो ड्राइवर्स वगैरह उनका क्या उनकी गफलत की वजह से वाकया पेश आया? लेकिन जो बज़ाहिर जो अभी नज़र आ रहा है और जो मतलब सार रफीक साहब भी जो उन्होंने ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो कहते हैं तकरीबकारी का जो है ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और भी डिफरेंट टॉपिक्स पर करते रहेंगे गुफ्तगू, लेकिन क्योंकि बहुत ही अफसोसनाक वाकया था, मैंने कहा प्रोग्राम का आगाज़ हम इसी से करते हैं। स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है एमकेएम पाकिस्तान से हफीज़ुद्दीन सैयद। हफीज़ुद्दीन साहब, मैं खुश आमदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में। सर, कल जो वाकया पेश आया इंतहाई अफसोसनाक वाकया था, कई जिंदगियों की जो है जाहिर सी बात है मतलब कई लोग शहीद हुए। मतलब रेलवे इंतजामिया ने मतलब लोगों की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला। अगर जो है ये ट्रैक टूटा हुआ था तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई? क्यों मतलब पहले भी आपने देखा था इस तरह का एक और वाकया पेश आया था, लेकिन ये कोई ज़्यादा ही बड़ा वाक़या इस बार पेश आया। और मतलब पिछले वाक़यात से इनको कोई सबक ही नहीं मिलता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता है, फिर से इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, फिर होते रहते हैं, लेकिन कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है इंतज़ामिया में। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना बड़ा जानी नुकसान है और उसके साथ साथ गफलत की इंतहा है। मैं समझता हूँ कि रेलवे इंतज़ामिया आज की टेक्नोलॉजी का दौर है और इसके अंदर ट्रैक को लोकेट करना, ट्रैक के उनको ट्रैक के ऊपर रखना या ट्रैक के ऊपर अपनी नज़रें जमा के रखना, ये बहुत आसान काम है और इसके ऊपर इनको खर्च भी करना चाहिए और काम भी करना चाहिए। बिल्कुल, ये दोनों, ये इंसानी जानों का ज़िया। और इसके बाद सबसे बड़ी बात देखें, 30 से ज़्यादा लोग इसमें जहाँ बहक हुए, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके लवाए खून को सब्र जमील अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि जो ये वाकया है इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सिर्फ इस बात पे ये कहकर बचा नहीं जा सकता कि तकरीबकारी थी, और हर बार ये तकरीबकारी की बात में बचना अच्छी कोई अच्छी बात नहीं है। इसके अवामिल क्या थे, और फर्ज कीजिए अगर तकरीबकारी भी थी तो उसको पकड़ने के लिए आपने क्या इंतजाम किए? अच्छा, हफीज साहब, आपने देखा होगा क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो आगे से उसे बाकायदा सिग्नल मिलता है और फिर ट्रेन जो है आगे आगे आती रहती है, जो स्टेशन होते हैं बाकायदा उनकी जो है वो पूरा रोक के देखा जाता है कि हाँ सिस्टम वगैरह, मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ होता है मामला, पूरा उसका वो होता है। लेकिन जो ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे लोग भी खड़े हुए होते हैं जो उनके वहाँ पे इंतजामिया के होते हैं, तो उनका कोई मतलब चेक इन बैलेंस नहीं था। और ये तो दिन का वाकया था, रात में अगर खुदा ना खास्ता होता तो पता नहीं कितने ट्रेन टकरा नहीं जाती, कितना और बड़ा वाकया भी पेश आ सकता था। बड़ा हौलनाक वाकया हुआ है, ये इंसानी जायों का ज़िया है। और मैं जो तफसीलात अखबारात में पढ़ रहा था, जो टीवी पे हम सुन रहे थे, उसके मुताबिक तो जिस्मों के अज्जा फैले हुए थे मुख्तलिफ जगहों पे और इसको कोई देखने वाला था। इवन वहाँ पे पुल था, उसमें डूब के भी लोग मरे हैं उससे गिर के। तो इस तरीके से ये तो बड़ा जानी नुकसान जिसका कोई, मैं समझता हूँ कि तलाफी नहीं है, और इसके ऊपर इनकी वजारत को भी और इन लोगों को सख्त तवज्जो देनी चाहिए, इस पर रिएक्शन देना चाहिए और इसके जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए।
इसके बगैर ये मामला चल नहीं सकते। ये बार बार ही हादसा होते हैं, बार बार इसी तरीके से सूरत हाल ख़राब होती है। मैं तो साद रफीक अपने इनसे कहूँगा कि खुदा के वास्ते आपकी वजारत का मामला है, आप जा रहे हैं, चंद दिन आपके रह गए हैं, आप इसके ऊपर पूरी तवज्जो दें। इससे पहले भी आप इनकी ये वजारत अच्छी चलाते थे, मैं इसके अंदर ये मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ इनके दौर के अंदर, पिछले दौर के अंदर भी बहुत अच्छी कारकर्दगी थी इनकी, लेकिन इस बात की अब अशद ज़रूरत है कि वो इन हादसात की तहकीकात के लिए कोई जामे लाहमल तय करके जाए। बिल्कुल जी, ताकि आइंदा इस तरह की वाकया रोनमा ना हो, इसका सद्देबाब हो सके और इसकी ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इम्प्लीमेंट किया जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जिस तरह से हमने सार वजीर रेलवे सार रफीक जो है, ख्वाजा सार रफीक जो है, उन्होंने भी यही कहा कि जो है ये तकरीब कारी है, मतलब अभी जिस तरह से हमने कहा कि बार बार हम तकरीब कारी के ऊपर अपना जो है ना वो नहीं डाल सकते मलबा, कि आप ये तकरीब कारी का रंग दे के आप इसको जो है वो इसकी कोई इंक्वायरी ना हो और कोई मामला आगे ना बढ़े, जिनके लोगों के प्यारे उनसे छिने हैं, कोई किस काम से किस सिलसिले में अपने प्यारों से मिलने के लिए जा रहा होता है, जाहिर सी बात है हमें नहीं पता, कोई अपने अजीज़ की शादी में जा रहा होगा, कोई अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा रहा होगा, किसी का कोई मामला होंगे, कई के छुट्टियों के बाद जो है जाहिर सी बात है सफर करने का सबसे सस्ता जरिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे, कई कई घंटों का सफर और अपने प्यारों का एक जो मोहब्बत होती है वो इंसान को कहीं पे भी खींच के ले जाती है, क्योंकि क्या पता था कि मतलब ये रेलवे की गफलत इतनी बड़ी गफलत हो जाएगी कि उस पे जो है कई लोगों की जान उनकी मतलब इस तरह से जाया हो जाएगी, बहुत अफसोस की बात है। बस यही है कि जिस तरह से आपने कहा कि इनके जो लवाइकीन है उनको सब्र जमील अता करें और हम दुआ करें कि आइंदा जो है इस तरह की वाकियात ना रोनुमा हो। बहुत ही अफसोसनाक वाकया था, क्योंकि प्रोग्राम जारी से बातें मानी काम इसी से आगाज करते हैं और जो है बाकी आगे जो है मामला चलते रहेंगे, गुफ्तगू करते रहेंगे। सर क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो रेलवे से हम लोगों ने अभी प्रोग्राम का आगाज़ किया था और अभी जो है क्योंकि मरदमशुमारी के हवाले से भी जो है काफ़ी मामला जो है वो सामने आ रहे हैं, अभी मरदमशुमारी जो है वो मुकम्मल हो गई थी और कराची की जो आवाम है जो उनकी गिनती तकरीबन 2 करोड़ तक जो है वो पहुँच चुकी है, 2 करोड़ तो सर पहले तो एम के एम इस चीज से इतफाक नहीं करती थी, वो तो कहते थे कि तकरीबन 3.5-4 करोड़। हम आज भी इतफाक नहीं कर रहे हैं। अच्छा। आपको मैं एक बात बताऊं आपको, लेकिन हम समझते हैं कि जो कारकर्दगी दिखाई गई है इस बार एम के एम ने जिस तरीके से फॉलो किया है इस सारे प्रोसेस को, हमने फॉलो किया है इसको और इसको ट्रैक के ऊपर रखते हुए चीज़ों को अनअर्थ किया है, लोगों के सामने लाएं कि असल हकीकत क्या है। आप पिछली माजी की जितनी आप मर्दमशुमारी हैं, एक पहली बात तो ये आप उसको उठा लीजिए, वो मर्दमशुमारियों के बारे में कुछ नहीं मालूम होता था, थैले में बंद होकर चले जाती थी, मर्दमशुमारी हो जाती थी। और ये पहला मौका है कि 5 साल बात हुई, पिछली मर्दमशुमारी आप देख लीजिए 19 साल बात हुई थी, और ये मर्दमशुमारी ये एमक्यूएम के मुतालबे पे बार बार इंसिस्ट करने पे दोबारा हुई। और इसके अंदर अब आपको मैं एक वाज़े फर्क बताऊं, अगर आप फिगर का फर्क उठा के देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके से क्या होता रहा। पहला जो इसके ऊपर मर्दमशुमारी के ऊपर जो पहला रिजल्ट आया था वो था 1,35,00,000 का। ये मैं समझता हूं कि ये मर्दमशुमारी करने वाले ये सिंध हुकूमत के लोग थे जिन्होंने मर्दमशुमारी ग्राउंड पे उनके हाथ में थी सारी की सारी, सही है, मरकजी हुकूमत उसको ऊपर से देख रही थी लेकिन सारा ग्राउंड का काम सिंध हुकूमत के एहलकारों डीसीज ने किया था। इनोमेटर्स कितने टाइम पहले आपने बताया कि मर्दमशुमारी लास्ट पहले तो देखिए पांच साल 2017 की हुई थी, ठीक है, उससे पहले 19 साल बाद हुई थी, 2017 के बाद उससे पहले 19 साल पहले हुई थी। इस तरीके से ये 10 साल के अंदर अंदर होना है। तो हुआ ये है कि ये मर्दमशुमारी में जो इतने बड़े बड़े वक्फे आए इसके अंदर अब आप एमक्यूएम ने मुतालबा किया कि आप 5 साल में दोबारा मर्दमशुमारी करो, ठीक है, और उस मुतालबे पे काम हुआ, बजट सेंक्शन हुआ और अमल दरामद शुरू हुआ। उसका नतीजा अब आप देख लीजिए, नतीजा मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। सिंध के अंदर असल में देही और शहरी जो तनासुब है
उसके ऊपर सारा का सारा मामला चलता है, सीटों की तकसीम, वसाइल की तकसीम, पैसे की तकसीम, और इन तमाम चीज़ों के लिए शहरी, और पहले कराची मुस्तकिल इसको 30-33% के अंदर रखा गया। ठीक है, ये पहली मर्तबा एमक्यूएम की कोशिशों के नतीजे में 37% के ऊपर आई है मर्दमशुमारी में। मतलब कराची 37% पे आया है। ठीक है, सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे शहरों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, बिल्कुल। और इसके बाद जो मर्दमशुमारी का इसके बाद दूसरा हिस्सा है, जो आप इसको, मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री आपको मैं बताता हूँ। पहली मर्दमशुमारी का जो रिजल्ट आया वो आया है मई के अंदर, और वो मई के अंदर आया था 1,35,00,000 का, 1,35,00,000 का। और उसके बाद जब एमक्यूएम खड़ी हुई और उसने सबूत पेश किए, प्राइम मिनिस्टर के सामने गए, एहसन इकबाल साहब के पास गए बार बार, और जाके उनको सबूत मुहैया किए तमाम के तमाम, यहाँ की हजारों 30-32 हजार हाई राइज बिल्डिंग्स उन्होंने छोड़ दी, काउंट ही नहीं की थी कराची की। अच्छा, उसके बाद तकरीबन ये 1,91,00,000 ठीक है, 1,91,00,000 की काउंटिंग फिर आई, जो दोबारा से करवाई। ठीक है, इसके अंदर तकरीबन बढ़ गए 60 के करीब। अब उसके बाद पोस्ट एनुमरेशन एक वो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया गया, उसको भी एमक्यूएम ने बार बार फॉलो किया, उसके नतीजे में अब 2,00,00,000 कुछ आई। लेकिन इसके अंदर एक और मजे की बात बताऊं, पूरे सिंध की आबादी पहले इन्होंने डिक्लेयर कर दी, वो थी, मेरे पास वो एकदम फिगर मुझे जबानी याद नहीं है सारे, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो अभी मौजूदा जो की गई है 5,00,00,000 समथिंग, 5,41,00,000 रुपए, 41,00,00,000 आई है अब। जी, जी, जी। लेकिन इससे पहले 5,80,00,000 आ गई थी। अच्छा, वो ज्यादा आ गई थी, और उसको वो कम हुई पोस्ट एनुमरेशन सर्वे के अंदर, लेकिन कराची की बढ़ गई। अब आप बताइए, इन्होंने सिंध, अंदरून सिंध के अंदर खैरपुर की, लाड़काना की और मुख्तलिफ जगह 48% किसी शहर की, किसी जिले की 27% किसी जिले की 37% इस तरीके से बढ़वा दी वो काम हुई। हाँ, पीपल्स पार्टी ने और किसने? अच्छा। और किसको? सिंध हुकूमत ने। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सर, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन इससे पहले हमें पीपर में हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं ऑन कॉल नजमी आलम साहब, जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, बात हो रही है यहाँ पे मर्दमशुमारी के हवाले से, जिस तरह से सैयद हफीजुद्दीन साहब जो है, जो एमकेएम के सीनियर रहनुमा है, वो कहते हैं कि जो 2017 में जो मर्दमशुमारी कराई गई थी, वो पीपल्स पार्टी जो उन्होंने जो है उसमें भी चेंजिंग्स की गई थी, क्योंकि 19 साल बाद जो है वो अभी फिर दोबारा से जो है मर्दमशुमारी की गई है, तो अभी इसमें भी जो है पीपल्स पार्टी ने जो है थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करवाई है। सर, क्या कहते हैं आप? मैं पहले 2017 की मर्दमशुमारी को ले लेता हूँ। जी बिल्कुल। जिसपे सिंध का चीफ मिनिस्टर मुस्तकिल मुखालफत करता रहा कि ये सही नहीं है, लेकिन उसको हमारे दोस्तों ने इमरान खान की कैबिनेट में बैठ के पास कर दिया था, जिसपे ये कराची में तो इतराज करते थे, इस्लामाबाद जाके ये बदल जाते थे। अच्छा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या आपने उसको अप्रूव किया 2017 को? सिंध गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रही थी? नहीं जनाब, मैं आपको बताऊँ, सिंध गवर्नमेंट अप्रूव कर रही थी, सॉरी हाँ, सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही थी। मेरी सुन तो ले इस मसले पे, मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बताता हूँ। मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, मैं 2017 की बता रहा हूँ आपको। आप CCI का नोटिफिकेशन उठाए, चीफ मिनिस्टर की उस पर दस्तखत है, उसके अंदर उन्होंने ये तय किया कि जनाब हमने इसका, नहीं, 2017 की आप पोस्ट एनुमरेशन किया, आपके मिनिस्टर उस कैबिनेट में बैठे हुए थे ना, बैठे हुए थे, कैबिनेट के अप्रूवल से कुछ नहीं होता। ठीक है, कैबिनेट तो आज भी है, कैबिनेट के अप्रूवल से कुछ नहीं होता। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उठ के आ जाते कि भाई हम इसको नहीं अप्रूव कर, वहाँ आपने साइन करके कैबिनेट में अप्रूव क्यों किया? अगर आप वहीं पे उसको रोकने की कोशिश करते तो शायद वो अप्रूव ना होती। ये तारीख है, इसको झुठला कोई नहीं सकता। अब आ जाए मौजूदा उस पर, देखें, ये कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को आसमान से तो लोग नहीं आएंगे, सिंध गवर्नमेंट के ही लोग आएंगे। मैं भी अभी भी पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन है इस
मर्दमशुमारी पे, मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल जो अभी मौजूदा अभी जो रिसेंट मर्दमशुमारी की गई है उस पर आप लोगों के है तहफ़ुज़ात। उसकी कराची की एक मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड 2017 में 3,05,000 गिना गया था, ठीक है जी। उसके बाद आपने देखा है कि कितनी सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन डिफेंस के इलाके में हुई है, पूरा फेज 8 बन गया, अमार बन गया, बड़ी बड़े अपार्टमेंट, और इस दफा 2,40,000 आई है, ठीक है। उस पर MQM नहीं बोल रही, इस बार जो 2,40,00,000 आई है, नहीं सॉरी 2,40,000 आई है, जब 2,40,000 ओके ओके 2017 में ये 3,05,000 थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रिप्टन कंट्रोल बोर्ड 3,60-3,70 पे जाएगा, ठीक। उस पे MQM नहीं बोल रही, मैं इस पे जवाब दे दूं, ठीक है। बल्कि इस पे तो आप सब लोगों ने इत्तेफाक किया है ना, सबने सारी पार्टी से मिलकर इत्तेफाक किया है, मनी औरंगजेब साहब उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस पे जी, डाल ले गले में मर्दमशुमारी के जी। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी थी जो मुस्तकिल एक बात कह रही थी कि आप इलेक्शन फौरन कराएं, अभी भी हमारा स्टैंड यही है, लेकिन सबको करके MQM जी जी, इसलिए कि जो अगर ये इनको अंदाजा है, वरना ये बलदियाती इलेक्शन का भी बायकॉट नहीं करते, इनको अब रिजल्ट का कराची का अंदाजा है कि उसको कवर अप करना चाहते हैं, इसलिए ये हर हालत में नई वो कराने के लिए कि इलेक्शन पोस्टपोन हो, ये इनकी बड़ी ख्वाहिश थी, वो पूरी हो गई, मुबारक हो उसको, लेकिन पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अच्छा नहीं हुआ। मैं आपके पास आती हूँ, ये इलेक्शन से भाग रही थी MQM, मैं भी बताता, ठीक है। मैं आपके पास आती हूँ दोबारा, आदि नजवी साहब आपके पास, सफीस उद्दीन साहब जी क्या कह रहे थे? पहली बात तो ये है कि असल में कोई कैबिनेट को इस बात का इख्तियार नहीं है, इस बार भी आप हिस्ट्री देख लीजिए, कैबिनेट ने कोई अप्रूव नहीं किया है, ठीक है। पिछली मरतबा भी कैबिनेट के अंदर पेश जरूर होता है कि इशू क्या है, पिछली मरतबा अगर पेश हुआ तो उसके अंदर ये बात तय हुई थी कि इसके लिए इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाएगा, उसका पोस्ट इनोमरेशन सर्वे जिसको इस बार कह रहे हैं वैसा करवाया जाएगा, इसका ऑडिट करवाया जाएगा, ये सेनेट से अप्रूव्ड मौजूद है ये बात, ठीक उस, है। उस दौर के अंदर इस बार हुआ ये है कि हमने इस चीज को बार बार पेश किया, सबूतों के साथ पेश किया, प्राइम मिनिस्टर को पेश किया कि कराची के साथ क्या हो रहा है, सिंध के साथ क्या हो रहा है, आप देखें सिंध के अंदर आबादी को किस तरीके से कम किया जा रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं, नजमी भाई आप मेरी इस बात को सुनिए भी और इसको आप मेरिट पे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको कि इस बार हुआ यह है कि शहरी सिंध और देही सिंध के अंदर, शहरी सिंध कराची खास तौर पे, इस पे 27% की आबादी बढ़ी है और बढ़ रही थी, ये तो एक हकीकत है जो आपने भी की, और इसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में अंदरून सिंध की आबादी कितने फीसद बढ़ी है पता है आपको? 16% बढ़ी है, कहीं 12% बढ़ी है, ठीक। अच्छा आपको, और वहां कम हुई है बाकायदा जेकबाबाद वगैरह में 48% तक ले गए, ये देखिए जेकबाबाद में 48% आबादी बढ़ सकती है, ये मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। इन्होंने कराची को मुस्तकिल इनके इनसे बुरा दिया है कि हुकूमत के वो वसाइल के जरिए से 15 साल से तो ये हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं पीपुल्स पार्टी, इनको अपने वक्त का तो जवाब पूरी तरह से देना ही चाहिए। 15 साल में 4-5 साल आप भी हमारे साथ रहे हैं, हाँ ये गलती कर ली थी, यही गलती की थी, ये गलती की थी ना आप, ये गलती बार बार करते हैं, ये गलती की थी ना हमने गलती की थी, ये गलती आप करते रहते हैं। अच्छा हाँ, वो गलती तो हम करते रहते हैं, हम कब कह रहे हैं आपको गलती नहीं कर रहे हैं, गलती नहीं करेंगे आप, फिक्र ना करें, सुधारने का मौका मिलता है जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस वक्त की सूरत हाल जो है कराची की, पहली मरतबा इंसिस्ट करके जिस तरीके से फॉलो अप करके आबादी सही गिनवाई गई, गुम हो गए थे, लेकिन इसमें हम मुतमइन नहीं है, कराची की आबादी आज भी 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है, ये अच्छा। तमाम इसको तमाम वसाइल मिलने चाहिए, इसके लिए भी हम जद्दोजहद करेंगे, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप लोगों ने इत्तेफाक क्यों किया इसमें, तो पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक किया हुआ है आप, एमजी पाकिस्तान ने क्या, हमारे वॉरेंस जी साहब खुद ही कहती हैं इस बात को, इत्तेफाक देखिए ये सीसीआई, देखिए एक मैं आपको, बल्कि मुत्तफका मंजूरी दी गई है इसने, नहीं नहीं देखिए इत्तेफाक तो अलग बात है, किसने दिया, किसने, हमारे वॉरेंस जी साहब कहती है ये बात, किसने दी,
कि एमक्यू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतफ़क़ा मंजूरी दी है, ये जो मर्दमशुमारी हुई है, मतलब मर्दमशुमारी नहीं है, सीसीआई के अंदर ये बैठे हुए हैं ना, इन्होंने मंजूरी दी है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहली मरतबा सिंध के अंदर आबादी सही ट्रैक पे पड़ी है। इस कराची की आबादी बढ़ रही थी जो सप्रेस की जाती थी, पहली मरतबा मैंने आपको शुरू में कहा 37% हो गई है सिंध की आबादी, देही और देही सिंध से कराची की आबादी 37% हो गई है, अब तक 30% और 33% के दरमियान रहती थी और उससे भी ये नीचे ले जाने की कोशिश करते थे। और इसके अंदर जो सबसे अहम बात नोट करने की है, इस पोस्ट इनॉग्रेशन सर्वे के अंदर पूरे सिंध की आबादी कम हुई है और कराची की आबादी बढ़ी है। अच्छा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है तो इसको इसके लिए फिर जाहिर सी बात है, अगर 2 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, आप ये बताएं जो हमें वसाइल मिलेंगे वो तो इतने ही मिलेंगे, महदूद वसाइल मिलेंगे, हमें 5 गज कपड़ा मिलेगा और 6 गज चाहिए, और हमारी आबादी अगर 3 करोड़ से ज्यादा है तो मतलब फिर हमारी जो 1.5 करोड़ की आबादी है वो कहाँ से अपने वो मामला पूरे कर पाएगी। ये चीज तो सारी पार्टी को सोच सके, देनी चाहिए थी। मैं यही बात, नजमी साहब आपके पास आ रही हूँ, भाई ये बात बताइए कि आप लोगों ने इसको एग्री किया नहीं किया, कराची और सिंध की जितनी भी आबादी आपकी, आपने इस पूरे अभी तो सबने किया ना, मैं तो नहीं डिनाय कर रहा कि आप किया, हमने तो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमें इसमें बड़े सख्त रिजर्वेशन से अपाउट फ्रॉम दैट, आज मुस्तफा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस्लामाबाद में कुछ और बोलते हैं, प्लीज दोनों जगह एक बात करें। सर नजमी साहब मेरा भी यही सवाल था, मेरा भी ये सवाल था, जब जब इतनी रिजर्वेशन थी, इतने तहफात थे, तो फिर मुतफ़क़ा मंजूरी देने का क्या मकसद था? हमने कोई मुतफ़क़ा मंजूरी अभी भी नहीं दी है। अच्छा, वफाकी वज़रा खुद ये बात कह रहे हैं अभी साहब। नहीं देखिए, उन्होंने इसको तस्लीम किया है, इस वक्त इलेक्शंस का इशू है, हम चाहते हैं वक्त पे इलेक्शन हो, हम यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से कि ये 8 घंटे के शेड्यूल पे काम नहीं करो, हल्का बंदी के लिए 8 घंटे की 3 शिफ्टें लगाओ और तेजी से काम करके वक्त पे इलेक्शन भी करवा दो, वक्त पे सारे काम कर दो, ये काम हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई हल्का बंदी इतनी बड़ी बात नहीं है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद है। जी जी, जी, जी नजमी साहब, हल्का बंदी का एक प्रोसेस होता है। जी बिल्कुल होता है, कमीशन हल्का बंदी अनाउंस करेगी, फिर उसके बाद उस पर पब्लिक ऑब्जेक्शन इन्वाइट होते हैं, उनकी हियरिंग होती है, वो ये सब एक कानूनी है, इसको आप शॉर्ट नहीं कर सकते। नजमी भाई मैं आपको बता रहा हूँ, नजमी भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप तो लोगों से नहीं रह सकते ना, डिलिमिटेशन पे जितने केसेस रिपोर्ट हुए हुए हैं ना सिंध के अंदर, वो मेरे अपने किए हुए हैं। अच्छा, हाँ मेरे नाम से पीएलडी के अंदर रिपोर्ट हुए हुए हैं, आपको बताऊं ये काम ये जल्दी कर सकते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है जी, जी नजमी, जी नजमी साहब, जब 2017-18 के इलेक्शन आए तो एक इशू ये उठा था कि भाई सेंसस अप्रूव नहीं है, क्या करें? ठीक है, और एनक्यूएम को भी रिजर्वेशन थी, हमें भी रिजर्वेशन थी, बिल्कुल, तो एक अमेंडमेंट की गई जिसको 24th अमेंडमेंट कहते हैं, और वो अमेंडमेंट के अल्फाज ये थे कि ये 1 टाइम के लिए है, जिसकी सिग्नेचरी पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो असेंबली में मौजूद थी, जिसमें एनक्यूएम, हम, पीटीआई, मुस्लिम लीग, नून सब शामिल थे, सबने उसको मुतफ़क़ा तौर पे किया कि इलेक्शन ना रुके, इस अमेंडमेंट के जरिए एक दफा इलेक्शन करा लिया जाए। उस अमेंडमेंट का एक पार्ट था कि 5% एट रेंडम चेकिंग होगी, ऑडिट हो गई बात प्रॉपर, हाँ ऑडिट, लेकिन आप 4 साल इमरान खान के साथ गवर्नमेंट में रहे, आप लोगों ने वो 5% तो जोर नहीं दिया। अरे हमने क्या जोर देते भाई, सीसीआई का काम था ये, सीसीआई का नोटिफिकेशन था, आप भाई आप उनके काउंसिल ऑफ कॉमन, आप हुकूमत में बैठे हुए थे सिंध के अंदर, सिंध का केस था, सिंध का केस था, नहीं भाई उसके अंदर अगर बैठे हुए थे तो हमने तो 5 साल में दोबारा करवा दिया। ठीक है बिल्कुल नजमी साहब, मैं आपके पास साथ ही दोबारा आती हूँ, मैं एक शॉर्ट ब्रेक की कॉल की जा रही थी, काफी देर से मैं ब्रेक नहीं ले पा रही थी क्योंकि जहर आप लोग की गुफ्तगू चल रही थी, मैं एक ब्रेक के बाद आप हमें दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, हमारे साथ रहे सर, मैं एक ब्रेक के बाद दोबारा आऊंगी, फिर हम कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, स्टे विद अस।
जी नाजुर खुश आमदीद, ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी, नजमे आलम भी साथ है हमारे, दोबारा से उनको लाइन पे लेंगे। लेकिन इससे पहले जो है, क्योंकि अभी हम देख रहे थे सईद खनी साहब जो है वो बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि गैस और पानी का जो मसला है उसको हम इंशाल्लाह आगे जाके हल करेंगे। तो आगे जाके क्यों, अभी से क्यों नहीं इस मामला को जो है, इन मामला को ठीक किया जा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, बुनियादी जरूरियात हैं सर, इनको पानी तो मतलब एक ऐसी जरूरत है ना, मतलब हर घर का जो है, मतलब हर चीज में इस्तेमाल होना है, वो क्यों नहीं है? इतने कई सालों से जो है इसका मसला हल होके दे पा रहे हैं। देखिए, पानी का तो एक बड़ा सीधा सीधा सा मसला है, वो अगर ये हुकूमत चाहे तो इस तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। बुनियादी तौर पे ये जो माफिया है पानी की, उसको उसको कंट्रोल करना है। दूसरी बात, K4 को बनाना है। तीसरी बात ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्टिवेट करना है, उसको रिवैम्प करना है, उसको ठीक करना है, ताकि पानी की सप्लाई सब जगह तक प्रॉपर पहुंच सके। ये काम इनको करना है। ये मैं समझता हूं कि बुनियादी काम है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को जमाने से सिंध हुकूमत ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। इस काम को वो करें, और ये माफिया जो पानी की माफिया है, इसका खात्मा करें ना। एक ऐलान करते हैं, ये मेयर साहब नए आए, हर रोज ऐलान कर रहे हैं कि मैं पानी टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन ले रहा हूँ, फला जगह ये कर रहा हूँ, फला जगह ये कर रहा हूँ। भाई कहाँ पे कर रहा हूँ, हमें बताओ, हमारे पास तो पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल, मेरे अपने घर में पानी नहीं आ रहा है, मतलब मेरे घर में कभी पानी की कोई कमी हुई नहीं है, हमेशा पानी आया है, लेकिन इस बार तो दो दो तीन दिन हो चुके हैं, दो दो तीन महीने पानी नहीं आता। देखें, मतलब कितनी अफसोस की बात है, अजीब से। आपके पास तो दो तीन दिन की आप बात कर रही हैं, खुदा का शुक्र अदा कर दें। यहाँ तो दो दो तीन तीन महीने पानी नहीं आता, दो महीने तक पानी नहीं आता है। अच्छा, हाँ, कौन सी जगह की आप बात ये कर रहे हैं? मैं आपके बारे साइट की बात कर रहा हूँ, औरंगी की। अच्छा, औरंगी सरजानी में भी अभी लोग प्रोटेस्ट पे भी बैठे हुए हैं, पानी की जो काफी वहाँ पे NPR की बात कर रहा हूँ। आप चले चले देखें, आपको हम सर्वे करवा देंगे उन इलाकों का। अच्छा, ठीक है। इसी वाले से अपने नुमाइंदे इमरान मीज़ान से भी जानते हैं, क्योंकि इमरान मीज़ान ने भी विजिट किया था और उन्होंने बकायदा से फुटेज भी बनाई थी, उनसे भी जानते हैं। तो इमरान, क्योंकि हम देख रहे हैं पानी का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, लोग अब सरापा एहतजाज भी हो चुके हैं, सर क्या इत्तलात है आपके पास, आवाम का क्या कहना है इस हवाले से? बिल्कुल, अगर मैं बताऊँ तो शेर कायद में जो है पानी का बुरान जो है शिद्दत अख्तियार कर गया है। शेर कायद में मैं कहता हूँ 50 से 60% जो है इलाकों में पानी जो है नायाब हो गया है, लोग जो है इस महंगाई में उनका गुजारा मुश्किल हो गया है, लेकिन निदाई पानी जो है 4,000-5,000 के टैंकर खरीदने पे मजबूर हो गए। गुज़िश्ता दिनों सरजानी में बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो हुआ है पानी के बंद होने पे, क्योंकि वहाँ पे जो हमने जब बात की सरजानी के रियासियों से, तो सरजानी के रियासी जो हमें कह रहे हैं कि हम जो है सियासत के जो है उसमें हम चढ़ गए हैं भेड़ में, क्योंकि मुर्तजा वहाब जो है मेयर कराची, वो वाटर बोर्ड का अमला, ये दोनों आके इन्होंने लाइन काटी है हमारी, उनका ये इल्ज़ाम है सरजानी के रियासियों का। साथ साथ अगर हम बात करें, हमने MQM पाकिस्तान के वहाँ MP हैं बासित, उनसे भी हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि ना 81 के करीब जो है सरजानी की लाइनें काटी गई हैं, जो कि गैर कानूनी के तौर पर इन्होंने कहा है कि लाइनें काटी, जबकि हम बिल भर रहे हैं वाटर बोर्ड को, हम हर महीने बिल भर रहे हैं, तो लाइनें गैरकानूनी कैसे हो गई हैं? वाटर बोर्ड के अमला से जब हमने निदा बात की, सलाउद्दीन साहब जो है MD वाटर बोर्ड, तो उनका ये कहना है कि ये 81 लाइनें जो काटी हैं बिल्कुल ये गैरकानूनी थी, जिसकी वजह से जो है आवाम जो है वो बाहर निकली है, और मेयर कराची ने जो है बिल्कुल सही लाइनें काटी है। निदा, एक तरफ अगर हम ये टैंकर माफिया की बात कर लें, जी, पानी कनेक्शन जो चोरी हो रहे हैं पानी उसकी, अगर ये लाइन काट रहे हैं, लेकिन टैंकर माफिया को पानी कहाँ से आ रहा है? 5,000-5,000 का टैंकर जो गरीब आवाम जो है वो खरीद के डाल लिए, टैंकर माफिया, प्राइवेट टैंकर माफिया जो है उनके पास पानी कहाँ से आ रहा है, जब अगर गैर कानूनी कनेक्शन काटे जा रहे हैं? दूसरी जानी, कल हमने हमारी टीम ने निदा सर्वे किया है, जो ऐसनाबाद से लेके हाईवे पे जो रोड जा रहा है अल्लाह बख्श, वहां पे निदा पानी जो है मीठा पानी लाइन का, वो निदा इस तरीके से पानी जाया हो रहा है, वो भी 6-7 महीने से। जो पानी पीने का पानी जो है वहाँ के इलाका मकीनों को सालों से घरों में पानी नहीं है, लेकिन रोड पे पानी बह रहा है। जी निदा,
बहुत शुक्रिया इमरान। जिस तरह से आपने बताया, सॉरी इमरान ने बताया और आपने सुना, खुद देखा भी, फुटेज भी चल रही थी स्क्रीन पे। इमरान ने काफ़ी डिटेल में जो है सारी तफसीलात बताई हैं कि मतलब आपके जो MPM पाकिस्तान के सरजानी के बासित, उन्होंने भी बताया कि कई उनकी जो जो लीगल लाइंस वगैरह जो है पानी की वो तक काट दी गई हैं, और फिर कई जगह पे जो है पानी पीने का साफ जो है वो ज़ाया हो रहा है, मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जहाँ पे लीगल लाइन डली हुई है उनको काट दिया जा रहा है। आम मोहल्लों की लाइन तो काट रहे हैं, जैसे आपने कहा आपके मोहल्ले की लैब में पानी नहीं आ रहा, लाइन में उसमें तो पानी नहीं आ रहा है, लेकिन टैंकर को पानी हर जगह से मिल रहा है। यही तो सवाल बनता है, फोन कीजिए आपको अभी टैंकर में पानी मिलेगा। इतने इतने रेट्स उनके हाई होते हैं कि मतलब अगर आप पानी डलवा लें या घर में एक नॉर्मल जिसकी सैलरी है तो मतलब वो बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता, इतने हैवी जो टैंकर की फीस जो है नहीं अफोर्ड कर सकता, मतलब महंगाई आप देखें कहाँ पर पहुंची हुई है, और उसके बाद अगर इस तरह के मामलात रहेंगे तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब पानी भी खरीद के पीना पड़ेगा, ये भी कयामत की निशानी में से एक निशानी है। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ सर, मतलब हमने तस्वर भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था कि हम पानी जो है वो मतलब टैंकर जो है वो खरीद खरीद के इस्तेमाल करेंगे पानी का। ये तो पीपल्स पार्टी का एजेंडा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इनको पानी नहीं दो वरना ये एहतजाज शुरू कर दे, दूसरे कामों में लग जाएंगे। ओहो, पानी नहीं दो, नौकरी नहीं दो। आप बताइए, इन्होंने पिछले 15 साल के अंदर 5 लाख से ऊपर नौकरियां दी हैं, उसके अंदर बताएं यहाँ कराची का शहरी आदमी कौन सा है, कहाँ से आया, यहाँ का जाली डोमिसाइल बना के तो दे दिए तुमने जी, लेकिन कराची के बुनियादी रहने वालों को बिल्कुल, उर्दू बोलने वालों को बिल्कुल। अच्छा सर, अभी आप जो डोमिसाइल के वाले से बात कर रहे थे, जो डुअल डोमिसाइल के वाले से भी अभी आपने गुफ्तगू की। देखिए, डोमिसाइल की शर्त लगा दी है इन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, एडमिशंस के लिए। आप मुझे बताइए दुनिया में कहां डोमिसाइल का मसला होता है एडमिशन के लिए, ये कैसा कानून बना दिया है। तो ये PRC भाई, मेरिट के ऊपर करो ये काम, सीरियस मेरिट पे करो, और तुमने सीधा सीधा सक्कर IDA का लगा दिया कि उसका उसको हर नौकरी के लिए हर चीज के लिए वहां से वो चाहिए, एक सर्टिफिकेट चाहिए उनको। ये क्या तरीका है, सिंध गवर्नमेंट क्या कराची के लोगों की गर्दन पे अपने पांव रखना चाहती है, देखें उसको दबोचना चाहती है, सर अभी दम निकालना चाहती है। बिल्कुल, ये तो बहुत सारी ज्यादतियां, बहुत ज्यादा ज्यादतियां बल्कि हो चुकी हैं कराची, कराची के वाम के लिए, कराची के लिए दावे वादे करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं चाहूंगी नजमी आलम साहब को दोबारा से लाइन पे लें, उनसे दोबारा से हम गुफ्तगू करेंगे। सर मैं लास्ट में आपसे क्यों क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर मुझे पता है आपको भी जाना है, और फिर मैं नजमी आलम साहब के पास जाऊंगी। बात हो रही थी अभी मरदमशुमारी के हवाले से, तो हमने जो कराची की जो गिनती हमने देखी, और जो हमने अगर हम लाहौर चले जाते हैं तो सर कराची और लाहौर की गिनती जो है तकरीबन सेम सेम आ रही है, तकरीबन सेम सेम आ रही है, जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला जो कराची का जो इलाका है सेंट्रल, वो पूरे लाहौर के बराबर टैक्स देता है। अरे सिर्फ लालू खेत का, सेंट्रल के, हाँ लालू खेत की मार्केट, सिर्फ लालू सेंट्रल नहीं, सिर्फ लालू खेत की मार्केट जो टैक्स देती है वो पूरे लाहौर, उससे पूरा लाहौर चलता है, समझे। तो सर मतलब कराची के अगर सिर्फ एक मार्केट के जितने टैक्सेस हैं, तो मतलब पूरा लाहौर के अगर उनकी और उनके बाद सेम कैसे हो सकती है, मुझे तो ये सोच के हैरत है। मैं बोल रहा हूँ, ये मैं समझता हूँ कि सरासर ज्यादती है इन तमाम मामलात के अंदर, इसके लिए कराची वालों को खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी इस वक्त इन हालात के अंदर MQM खड़ी हुई है, वो खड़े होकर बात कर रही है, ये यूनाइटेड MQM है, MQM मुत्तहद हुई है, तमाम इन इश्यूज की वजह से मुत्तहद हुई है, ठीक, और वो उठ के खड़ी हो गई है, और इंशाल्लाह अजीज वक्त और हालात बताएंगे कि किस तरीके से ये आगे बढ़ती है, लोगों के इश्यूज को उठाती है और काम करके बताती है इंशाल्लाह। अच्छा सर, अभी आप लोगों ने आगे क्या लाया अमल तैयार किया है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि अब जाहिर हुकूमत के पास टाइम तो बहुत शॉर्ट रह गया है, तो आगे के लिए क्या लाया अमल तैयार करें, क्या करने जाएंगे आप लोग, नई हुकूमत जो आएगी उसमें किस तरह से जो है आप लोग जो है अपना पार्टिसिपेट करेंगे। हम इस सिलसिले में इशूज पे काम कर रहे हैं, बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ अर्बन एरियाज के मेन इशूज क्या है। सबसे पहले तो हिकमत अमली है कि हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस करेंगे, ताकि लोगों को जॉब्स मिल सकें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे पास जो बेसिक इश्यूज हैं बिजली पानी और गैस के, इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम, सस्ती बिजली किस तरह दी जाए, इन तमाम इश्यूज के ऊपर अभी K Electric और
और ये इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं एक से ज्यादा लाइसेंसों के इलेक्ट्रिक के अलावा भी लाइसेंसीज हों जो बिजली फराहम करें। इसी तरीके से जो इश्यूज इम्पॉर्टेंट हैं उन पे एक तो हम एजुकेशनल पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। एजुकेशनल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, देखिए यहाँ जो इस वक्त मौजूदा एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर मेरिट का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल इन्होंने इसको, और फी स्ट्रक्चर इतना हाई है कि आम आदमी को अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये जो स्कूल्स का इन्हितात पजीर है उनका तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इन तमाम इशूज पर हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उल अजीज MQM अपना जो मंशूर देगी वो प्रैक्टिकल मंशूर होगा और वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देंगे इंशाल्लाह। सर पहले भी काफी दावे और वादे इस बारे में किए गए थे, क्या उम्मीद करते हैं कि जब आइंदा अगर हुकूमत आती है उसमें आप लोग हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो क्या ये सारी चीजें होती भी नजर आएंगी पूरी? हम इंशाल्लाह आएंगे भी और करके भी बताएंगे। ठीक है सर, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? बस इंशाल्लाह हम चैलेंज करते हैं, हम करके बताएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना टाइम दिया। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी सैयद हफीजुद्दीन साहब जो कैम्प पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा थे, नजमी आलम साहब जो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है वो भी सीनियर रहनुमा हैं, बात हो रही थी मरदमशुमारी के हवाले से और फिर बाकी कराची और उसके जो बाकी मामलात हैं दीगर, उन सारी चीज़ों के भी हमने डिस्कस किया आज प्रोग्राम में, और फिर पानी का क्योंकि अहम मसला था जो कि अभी तक ना हल होने वाला हो ये मसला बन चुका है। पता नहीं कि जिस तरह से हमारे पास हुक्मरान आते हैं और दावे और वादे करते हैं, सियासतदान भी आते हैं उनसे गुफ्तगू होती है, दावे वादे तो सभी करते हैं लेकिन जब इक्तदार हुकूमत में आ जाते हैं उसके बाद जो है वो क्यों अपने रंग बदल देते हैं, ये बहुत ही मतलब बड़ा सवाल या निशान है। जिस तरह से आज हमने गुफ्तगू प्रोग्राम में लोगों ने जो है कहा कि यकीन दहानी दिलाई तो है, मतलब हमारे पास पॉलिटिशियंस आएंगे हम इनका मसला जरूर हल करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि मसले है जरूर हल हों हमारे प्रोग्राम के तवसुस से, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं, आप लोगों के जो फीडबैक्स हमें मिलते हैं और इस पर जो हम प्रोग्राम्स करते हैं तो कोशिश होती है हमारी, और जो है बाकी जो है इंशाल्लाह इसी तरह से सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान इजाज़त, मुझे मेरे मेहमानों को मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।